न्यू व्लॉग। आज हमारे गांव में एक फेस्टिव डे है, तो इस फेस्टिवल के बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में ही बने रहना पड़ेगा। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को बजाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। इधर लोग आटा कलेक्ट करके रखते हैं, और अभी तो खैर कमी लोगों ने रख रखा है क्योंकि अभी जस्ट कलेक्शन स्टार्ट हुआ है। देखिए ये यहाँ पर पनियारा है, जहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं नागझाला, वहाँ से वाटर आता है। ये है पनियारा, इधर से नागझाला नाम की एक जगह का पानी आता है जिधर हम लोग जा रहे हैं। और जिधर पर जहाँ पर आज पूजा है उधर का यहाँ पर पानी आता है, आप देख सकते हैं। खास ठंडा ठंडा है। खास बात तो ये है कि ये जो वाटर है ना, अगर हम इसको समर्स में देखेंगे तो ये इतना ठंडा होता है ना, और लेकिन अगर हम इसको विंटर में देखेंगे तो ये गुनगुना होता है। तो एक तरीके से वेदर ही वाटर बोल सकते हैं। चलो इसका ये वाटर ड्रिंकेबल है। हाँ, हम यहाँ से वाटर लेने जाते हैं। समर्स के टाइम तो हम फ्रिज में वाटर बॉटल रखते ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग जैसे दिल्ली में जब हम लोग रहते थे लॉकडाउन से, हम लोग इधर ही आ रखे हैं। दिल्ली में तो हम लोग फ्रिज में रखते थे, लेकिन इधर इधर का वाटर इतना ठंडा होता है ना कि फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर लोग अभी कपड़े धुल रहे हैं। इधर लोग कपड़े धुल रहे हैं अपने। ये टैंक है जहाँ पर वाटर आता है, वो पाइप से वाटर सप्लाई होता है इधर। देखिए ये रहा टेंपल, यहाँ पर आंगनवाड़ी की क्लासेस अटेंड हुई जाती है। और वो चुल्लू का पेड़ है, चुल्लू का। चलो शिवलिंग को देखते हैं। और ये एक गवर्नमेंट स्कूल है ऊपर, और ये है शिवलिंग, और ये है शिवलिंग। जो ये एक ब्लॉक है ना, जिसमें एक फ्लावर है, ये वाला ब्लॉक। इधर माना जाता है कि नाग देवता आता है, तो इधर पैर नहीं रखते। आप देख सकते हैं इधर अलग अलग टाइप की स्टोन की मूर्तियां बन रखी हैं। तो देखिए ये शिवजी, चलिए ये नंदी है, और ये दूसरी शिवलिंग है, देखिए एंजल, और ये है शिवजी का त्रिशूल, और ये है शिव का त्रिशूल, और इधर है हमारे ब्यूटी ब्यूटीफुल से रोज। हाँ, मैंने गलती से ब्यूटी ब्यूटीफुल बोल दिया। ये रोजेज हैं, व्हाइट रोज इधर उगते हैं, और इधर है भांग के छोटे छोटे पौधे। ये देखिए, ये भांग का छोटा पौधा है, एक ये एक हवन कुंड है। तो चलिए अब हम जिस चीज के लिए आए हैं हम लोग चलते हैं। ये रहा यहाँ का स्कूल, प्राथमिक विश्वविद्यालय नहीं विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय तनाल का। ये रही वो डिश, इसे बोलते हैं पोई या फिर पोली। ये बहुत खट्टी सी होती है, चुल्लू से बनती है। और तो ये मेरी दादी है, दादी हाई कर दो सबको। कौन क्या कर? अरे वो हम YouTube में डालेंगे, YouTube में डालेंगे। और यहाँ दादी प्याज काट रही है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं नागझाला की तरफ। देखिए यहाँ
आई थिंक लेमन है वो, वो बड़े वाले जो येलो येलो रहता है. गोठों के बारे में, ये एक हॉन्टेड प्लेस है. हॉन्टेड प्लेस गोठू. तो देखिए वहाँ से है नागझाला का रास्ता. और टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 4:05. तब तक यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है. यहाँ तो हर जगह दिखाने वाली है. हमारा गांव 2 parts में डिवाइडेड है. हमारी लोकल लैंग्वेज में आले गांव और पाले गांव बोलते हैं. तो हम आले गांव साइड में रहते हैं. ये देखिए बंच ऑफ फ्लावर्स. हिसर, यमी यमी हिसर. ये भाई इतने टेस्टी रहते हैं ना. एक चीज बोलूं, ये मेरी और अदिति की है. येलो बेरीज, येलो और ऑरेंज हिमालयन बेरीज इन्हें कहते हैं. हिसर मुझे भी. आप लोग खाओगे? रुको, आप लोगों को खाना है तो लो. वो फोन से नहीं खा पाएंगे, मुझे दे दे. लेकिन अगर हम लोग ना थोड़े वो बेड़ू है, एक गढ़वाली गाना है बेड़ो पाको. तो इस फ्रूट अगर हम लोग एडवेंचरस रास्ते से जाते ना तो बहुत मजा आता है. लेकिन क्या करें, हमारी जो दादी है उन्होंने बोला कि इस रास्ते से जाना. ज्यादा लोग जाते नहीं है, जब सब लोग आते हैं तभी जाते हैं. क्योंकि यहाँ पे इधर माना जाता है कि इधर हाँ साफ मिलते हैं, तभी तो यहाँ माना जाता है ना कि स्नेक्स यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं. और माना क्या, लोगों ने देख भी रखा है, इसीलिए तो इस जगह का नागझाला है. और अगर गंदगी फैलाई ना तो साफ भी आ सकते हैं. ये देखिए, चलो 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 जल्दी. देखिए बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा होगा कि जैसे यहाँ पर जगह है. यस 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 यस, मेरा फेवरेट पार्ट. चलो आइए. ये देखिए ज्यादा है. ये देखिए, ये वैसे इधर बहुत ठंडा लग रहा है, धूप चाहे जितनी भी हो ना, लेकिन इधर बड़ा कूल सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है ये दालचीनी है. देखिए ये देखिए, जगह जगह पे दालचीनी है. वाओ, मुझे फॉरेस्ट बड़े अच्छे लगते हैं. हेलो, ये मेरे भैया है, सिद्धू भैया आ गए. चलो 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 चलो, जल्दी चलो. ये है हलवा और वहाँ के साइड है टेम्पल. चलो अभी हम चलते हैं, शूज उतार. ये धर्मदास है, ये ढोल बजाता है फेस्टिवल्स में. ये देखिए यहाँ पर पहले फिशेस होती थी और यहाँ राइस डालते थे. ये टेम्पल है. फिशेस है वहाँ पर है. ओह अच्छा, देखो 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 देखो, इसमें ना मुझे नहीं दिख रही कहीं. दिख नहीं रहा होगा. ये देखिए अभी एक गई थी वहां से उस तरफ. प्लीज प्लीज, ये देखिए ये जो जा रही है यहाँ पर ऐसे इस तरफ फिशेज है यार. फिश कॉर्नर यहाँ से वाटर.
फिशेस को, बेबी फिशेस है। कंडाली जगह जगह पर कंडाली मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इधर से रास्ता है, अब मुझे बुला रहे हैं नीचे। देखिए पूरा जंगल है, मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाऊँगी, मुझे वापस जाना होगा। तो चलो वापस चलते हैं। और बच्चों ने हल्ला मचाना फिर से शुरू कर दिया। चलो जंगली, ये एक सेक्रेट ट्री है आई थिंक। वो देखिए उधर से वाटर आ रहा है। ये वहाँ पर आइडल है टेम्पल। चलो अब हम वापस चलते हैं, वहाँ थोड़ा सही जाने देते हैं। यहाँ पर हलवा बन रहा है आटे का। स्टोरी क्या है इधर की और ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है तो बताइए। ये हमारा नागजीता का मंदिर है, ये पौराणिक काल से चला आ रहा है। यहाँ से नाग और नागिन रहते थे, जो हमारा मूल पीने का पानी है इसी नागजीता के स्रोत से निकलता है। जब भी हमारे खेतों में रुपाई होती है, रुपाई से पहले हम नागजीता की पूजा करते हैं। नागजीता को पूरे गाँव वाले विधि विधान से नागजीता की पूजा करते, दूध दही घी से नागजीता की पूजा करते, देवता हमें हमारे गाँव वालों को खुशहाली दे, हमारी फसल जो है अन्न धन अधिक से अधिक मात्रा में हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो, इधर भी कभी दो दिखाई दे रहे हैं। पहले इन दो नाव से पानी निकलता था, एक नाग है एक नागी। अरे पानी का कुंड है पौराणिक है ठीक। मंदिर के अंदर एक मूर्ति है जो बौखनाग देवता के साथ की मूर्ति है, जिसकी हम पूजा करते हैं। हमने हमारे गांव वालों ने एक साल पहले नाग पंचमी चालू की थी, इस बार उसका नंबर है। अगर बौख देवता की कृपा रहे, आशीर्वाद रहा, तो नाग पंचमी बड़े अच्छे ढंग से भव्य ढंग से मनाई जाएगी, क्योंकि नाग देवता ही हमारे आजीविका का स्रोत है। क्योंकि हमारे खाने पीने का पानी जो है यहीं से निकलता है, जिससे गांव वाले आज तक खाते पे रहे। काल पुस्तनी से उक्त नागदा की पूजा विधिवत होती आती है। हम भी जब गेहूं की फसल काटते हैं, तो गेहूं का नया आटा निकाल के उसे नागदा के नाम से रखते हैं। उसमें गांव वाले अपने घर से आटा, कोई गुड़ देता है, कोई पैसा देता है, ताकि देवता के उसमें भोग सबके घर से, मतलब देवता का भोग बनता है, जिससे मतलब पूजा होती है। अरे नागदा एक जंगल में है, यहाँ की ना कोई झाड़ी काटता है। थैंक यू। तो हमारे प्रधान ने बता दिया है कि हमारे गांव में ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, तो अब आपको पता चल गया होगा। हमारे गांव के सारे बच्चे उधर जा रहे हैं, अभी भोग जो बनाया देवता का, भोग सबको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। थोड़ा उनको भी दिखा दे, आटे का हलवा बनता है। आप देख सकते हैं इधर कुछ लोग खड़े हैं। ये लोग गाँव के लोग, बुजुर्ग लोग आते हैं, ढोल बाजे के साथ देवता को मनाते हैं। थैंक यू, वेलकम। चलो भाई, बोलिए भाई। तो चलो हम भी प्रसाद खाएंगे, और अभी मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ वो प्रसाद बन रहा है। यहाँ हम जा रहे हैं प्रसाद खाने। पहले लाइन लगी हुई है और वहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है। ये धर्मदास का ढोल है और हमें मिल गया है प्रसाद, तो हम अब वापस जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने घर में। और यहाँ पर रेन होनी शुरू हो गई है, ये देखिए रेन हो रही है। वापस आ रहे हैं। हेलो सूरज चाचा, सब आ रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं।